हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाउसिंग पॉलिसीज़ को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह से जो है अन्य योजना बनाने की तैयारी की गई है। सरकार एक नई हाउसिंग पॉलिसी के काम अभी शुरू किया है, क्योंकि कोविड के बाद हमारी जो वर्किंग स्टाइल, लाइफस्टाइल, रिमोट वर्किंग फ्रॉम होम, ये सब नया बदल चुका है। तो उस दौरान नया हाउसिंग पॉलिसी का हाल ही में शुरू किया। हाउसिंग पॉलिसी में जो अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल हाउसिंग और इनोवेशन इन हाउसिंग, ये सब हमारी फोकस एरियाज रहेंगे। मैम, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो बजट में भी कई ऐलान किए गए हैं सरकार की तरफ से, तो अगर उस पर आप अपडेट दे पाएँ। प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की बहुत बड़ी गेम चेंजर स्कीम है। ये योजना भारत सरकार की तरफ से 4-5 साल पहले ऐलान किया था। महाराष्ट्र में हमने 7,36,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हाउसेस इस योजना के दौरान हम लोग कर रहे, और महाराष्ट्र में आई थिंक ये स्कीम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इकोनॉमिकली वीकर मतलब जो एनुअल इनकम इनका 3 लाख से कम होगा, वो इनके बेनिफिशरीज रहेंगे। और स्कीम में शासन की तरफ से 2.5 लाख का सब्सिडी भी दे रहे, और बाकी लोन के लिए हम लोग बैंकों से डायरेक्टली गवर्नमेंट उनको लोन देने में मदद कर रहे हैं। मैम, जाने से पहले आखिरी सवाल, नई पॉलिसी की जो ड्राफ्ट बनाई जा रही है, उसके अलावा अगर कोई नए चेंजेस हम देख पाएंगे हाउसिंग सेक्टर में या रियल एस्टेट में? बहुत सारे चेंजेस हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी हम रोल आउट कर चुके। एक चेंज है SRA जो स्कीम है महाराष्ट्र का, उसमें जो एनेक्शर 2, जिसमें लोगों की पात्रता के बारे बोलते, वो एनेक्शर 2 हम लोग ऑटो एनेक्शर अभी 1 महीने के अंदर अंदर करेंगे, कि ऑटो एनेक्शर में उसमें जो एलिजिबिलिटी के कंप्लेंट्स बहुत सारे कम होंगे और बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका जो पात्रता निश्चित किए जाएंगे। दूसरा हम ये किया कि जो एनेक्शर 2 होगा वो 7 दिन के अंदर हम लोग पब्लिक डोमेन में हम लोग ये डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रांसपेरेंसी इसमें हो जाएगा। मैम, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।